discuss a bit of, we'll share some bit of knowledge of about factor analysis and some statistical tools. What kind of statistical tools you guys are using? Anybody? Statistical tools. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Then, what statistical tools you people use or familiar with? Any idea? T-test, Z-test, chi-square test. Do you think that these tests are statistical tools? So we are studying SPSS. SPSS. So SPSS is a statistical tool? Yes, sir, for data analysis. Sir. Good. So for data analysis, tools are those things which we perform something. So we analyze data with the help of these tools. That is SPSS, MOS, R, eViews, whatever kind of softwares or tools you are using for analysis of data is statistical tools. Okay. So how many of you are aware about R? R software. Or how many of you have attended any workshop or seminar about R? सर बस नाम सुना है डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है बस इतना ही पता सो आई हैव अटेंडेड फॉर एसपीएसएस सर नेवर अटेंड फॉर आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक अबाउट द एसपीएसएस फॉर बिहेवियरल साइंस एंड ह्यूमन सो जस्ट अ मिनट यस So most of the time you have heard about SPSS and any other tools? Achha, just tell me what techniques, research techniques or statistical techniques you use for analysis of फैक्टर्स फैक्टर एनालिसिस के लिए आप लोग कौन से टूल्स का प्रयोग करते हैं एनीबडी अच्छा फैक्टर एनालिसिस किस किस टेक्निक से की जाती है एनी आइडिया सर टी टेस्ट जेड टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सारे टेस्ट के नाम सिर्फ नहीं होता है व्हाट टेक्निक यू यूज कोई टेक्निक होगा ना जिसको लगा के आप लोग एनालिसिस करते होंगे अबाउट फैक्टर एनालिसिस किया है किसी ने अभी तक एनीबॉडी फैक्टर एनालिसिस No. Compounding or non-compounding variable में जो combination करते हैं sampling और probability sampling के through cluster sampling के through सारे cluster samplings के नाम आपने ले लिए cluster sampling खैर we'll talk about that later we mainly focus on factor analysis today so factor analysis have you ever heard about exploratory factor analysis exploratory factor analysis no
ओके एनीबडी एल्स एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में तो हम यही करते हैं ना, किसी भी डेटा को बहुत ही डीपली जाके उसकी मतलब जो भी सर्वे एरिया है वहां से फाइंड आउट करने के बाद उसके जो प्रॉब्लम है वहां तक पहुंचते हैं, फिर जब कोई कंक्लूजन निकलता है तो वो एक्सप्लोरेटरी डेटा होता है। एनीबडी एल्स Anybody else want to contribute something? That what is exploratory factor analysis? Yeah. Just a minute. I'll be back. Hello. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, anybody has got any idea about exploratory factor analysis? Yes, sir. It talks about the identify the relationship between the variables and respondent. Variables and respondents. Okay. Somewhat. अच्छा मैं ऐसे बोलूं कि किसी ने ईएफए का नाम सुना है? सर दैट इज एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस ईएफए। हाँ वो तो ठीक है, मतलब इससे पहले किसी ने फैक्टर एनालिसिस का नाम सुना है? सर जहाँ पर कॉज और इफेक्ट देखा जाता है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं डेटा को और उसके वेरिएबल्स का कॉज और उसके इफेक्ट। नो सर जब वैलिडिटी चेक करते हैं तब फैक्टर एनालिसिस करते हैं। वैलिडिटी चेक करते हैं तब फैक्टर एनालिसिस करते हैं। ओके चलिए समवॉट ठीक है। एनीथिंग एल्स? आप लोग अपने रिसर्च में किस स्टेज पे हैं अभी? लाइक जस्ट कोर्स वर्क ही सिर्फ चल रहा है या इसके अलावा किसी ने कुछ वर्क किया है, एलआर कुछ आगे बढ़ा है या किसी ने कुछ क्वेश्चनर वगैरह कुछ डेवलप किया है? व्हाट इज द स्टेट? सर क्वेश्चनर सेटअप हुआ है। क्वेश्चनर सेटअप हो गया जी। ओके अब आप मुझे ये बताइए क्वेश्चनर आपने किस बेसिस पे बनाया है? सर जो भी मेरे टॉपिक में प्रॉब्लम फाइंडिंग्स थी जिसे मुझे लगता था कि जो मेरे रिसर्च पे है ये जिस क्वेश्चन से मुझे वैल्यूएबल आंसर मिल सके या फीडबैक मिल सके या जहां से हमें सर मतलब एक वैल्यूएबल लोगों का रिस्पांस मिल सके रिस्पोंडेंट, वो क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए थे क्वेश्चनर में। वो क्वेश्चंस आपने किस बेसिस पे सिलेक्ट किए?
there must be some criteria based upon which you select formulate your questionnaires. And then what was the criteria and on what basis you have designed your questionnaire? Sir, according to my topic, जो topic था उसके according जो भी उसमें findings थी, उसमें respondent क्या क्या answer दे सकता है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आपका topic क्या था? सर मेरा जो टॉपिक था वो मतलब ऐसा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे था जो कि एसोसिएट करता था कि जो सीमेंट इंडस्ट्रीज में वर्कर होते हैं और उनकी जो डेथ्स होती हैं इन पॉल्यूटेंट्स के कारण, ये उनके ऊपर बेस्ड था टॉपिक। आपका एग्जैक्ट टॉपिक बताइए या टॉपिक अभी फाइनलाइज नहीं होगा, ठीक है? जी जी सर, टॉपिक मेरा फाइनलाइज हो गया। एक्चुअली थोड़ा सा उसमें संशोधन करना है टॉपिक में, उसको थोड़ा सा और भी क्राइटेरिया इंक्रीज करने की सोच रहे हैं। अगर आप कुछ भी कर रहे हो सपोज, तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ वेरिएबल्स और फैक्टर्स व्हिच आर एक्चुअली अफेक्टिंग दिस हेल्थ इश्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है? सो यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो इंडिपेंडेंट की मैं बात नहीं कर रहा, डिपेंडेंट तो ऑब्वियसली जो हम एक्चुअली जिसके ऊपर इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, देन और जिसका इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, जिसका देखना चाह रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो गया, और जिसपे वो इफेक्ट कर रहा है वो डिपेंडेंट हो गया। मैं अभी वहां की बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि रिसर्च कर आप जो भी स्टडी कर रहे होंगे उस स्टडी में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे जो कि आपके स्टडी को अफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है? तभी मतलब कुछ ना कुछ डिपेंडेंट होगा, कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट होगा, राइट? करते हो कि करते हो? तो उसमें जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कैसे मतलब एक्चुअली इफेक्ट कर रहे हैं और वो डिपेंडेंट से रिलेटेड है नहीं है, आपने कर रहे हैं लेकिन आपके स्टडी में वो वैलिड है नहीं है, ये सब चीजें हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? और कहीं भी क्वेश्चनर हम खुद से नहीं डेवलप कर सकते कि बिकॉज मेरी स्टडी ऐसी थी तो मैंने कहा कि चलो आपके पास ऑक्सीजन लेवल इतना था तो हमने था या नहीं था, सफिशियंट था या एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट के लेवल पे आपने चेक किया, वैसे नहीं होता है। ये होता है कि जब हम उसके लिए एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल स्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर रिव्यू, जब एक मॉडल बनता है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक? अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का जो रिलेशन है हमें ये चेक करना होता है कि वेदर दिस फैक्टर्स आर एक्चुअली अफेक्टिंग इन माय स्टडी। समझ में आ रहा है? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा है? ओके yes, okay. कहीं अगर ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन पिंग मी, ओके? तो जब हम चेक करते हैं कि ये फैक्टर्स हमारी स्टडी में वैलिड हैं कि नहीं हैं, तो उस फैक्टर्स को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस में एक होता है EFA, दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, और दूसरा होता है CFA, दैट इज कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ओके? EFA हम तब करते हैं व्हेन वी डोंट नो दैट वेदर व्हिच वेरिएबल्स और व्हाट आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आर एक्चुअली फॉल्स इनटू व्हिच फैक्टर्स, ठीक है? क्योंकि हर एक फैक्टर के डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे व्हिच आर अफेक्टिंग डिपेंडेंट, ठीक है? क्लियर है? सर बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। दैट्स माइट बी बिकॉज़ ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। एनीवेज नाउ आई एम क्लियर, आई मीन वॉइस इज क्लियर। सर कैन यू रिपीट? सर ड्यूरिंग रिसर्च डिजाइन वी डू फैक्टर एनालिसिस और आफ्टर द प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन आयर एंड डेटा एनालिसिस दैट टाइम वी डू फैक्टर एनालिसिस। After collecting data, we okay. go for factor analysis. When you don't know, you don't have any established
क्वेश्चनर और एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, और इवन दो यू इफ यू हैव एस्टेब्लिश रिलेशनशिप variables and factors their relationship, so you go for first for EFA to validate that thing that these few variables that falls into one factor. Explorative factors shows that different variables their loadings to their respective factors, means agar hamare dependent pe panch factor agar effect kar rahe hain suppose, theek hai. सबसे पहला स्टेप हमने LR किया, LR से हमने कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किया हमारे स्टडी के रिलेटेड, ठीक है. उसके बाद हम ये चेक करते हैं आफ्टर डाटा एनालिसिस कि उसमें जो जो वेरिएबल्स थे वो अपने रेस्पेक्टिव फैक्टर्स की तरफ फॉल आउट करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट. ये चेक करने के हम EFA करते हैं. EFA हम करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के थ्रू, जिसमें ये बताता है कि हर एक वेरिएबल्स किसी एक फैक्टर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर सबकी लोडिंग सारे वेरिएबल्स की लोडिंग अगर ग्रेटर देन 0.7 है तो हम इजीली उसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये इस एक पर्टिकुलर फैक्टर के अगेंस्ट फॉल करता है, और उसी तरह बाकी सब में देखते जाते हैं. और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम इसको ये सिस्टम को ये बताते हैं कि हमें टोटल पांच फैक्टर्स चाहिए विद दीज वेरिएबल्स, ठीक. अब ये वेरिएबल्स में जिसकी लोडिंग किसी के पास नहीं आई तो उसको हम अपने अपने डाटा सेट से अपने क्वेश्चनर से उस आइटम को हम हटा देते हैं, ठीक है. लेकिन जिसकी लोडिंग टू डोज रेस्पेक्टिव फैक्टर्स विद इन दैट फाइव फैक्टर्स, अगर सबकी लोडिंग 0.7 से ऊपर किसी न किसी फैक्टर्स में आ जाती है तो हम उसको अपने स्टडी में रखते हैं, एंड दैट कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ आवर स्टडी, ठीक है. और वही वो चार वेरिएबल्स मिलके एक कंस्ट्रक्ट या एक फैक्टर्स बनाते हैं विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके. मुझे लग रहा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है. सर प्लीज किसी एग्जांपल के थ्रू से ब्रीफ कर दीजिए. किसी एग्जांपल्स के थ्रू चलिए किसी का एग्जांपल, किसी की स्टडी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है. किसी ने जिसने भी क्वेश्चनर बनाया है वो अपना कुछ बताए, उन्होंने कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किया है, तो बताइए उनकी स्टडी को हम लोग एग्जांपल लेके करते हैं. चलिए लेमैन लैंग्वेज में तो समझते हैं, ठीक है. सपोज आपको किसी के बारे में डिस्क्राइब करना हो, या इंसान छोड़ दीजिए, अगर आपको बोला जाए कि आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कितना प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है. हमारा स्टडी है कि तो या वो भी छोड़ दीजिए कि हमारा MBA डिपार्टमेंट ऑफ कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छा है नहीं अच्छा है या क्या, ठीक है. आपको बताना है, आपको ओवरव्यू रेटिंग देनी है कि रेटिंग भी नहीं देना, आपको ओवरव्यू बताना है कि हाउस द MBA डिपार्टमेंट ऑफ कानपुर यूनिवर्सिटी, राइट. अब इसके लिए आप क्या करोगे सबसे पहले. सर पहले पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे, जो हमारा MBA स्टूडेंट्स होंगे उनको टारगेट करेंगे. क्यों आपको तो सिर्फ MBA डिपार्टमेंट के बारे में बताना है, उनके स्टूडेंट्स के बारे में तो बताना नहीं है. सर जो वहां से MBA किए होगा या कर रहा होगा वही तो बता पाएगा सर. वो बता पाएगा, ठीक है. सो ठीक है, चलिए वो भी मान लिया, गुड. अब आपने चलिए मान लिया कि MBA स्टूडेंट दोज हु पास फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आर द पार्ट ऑफ माय स्टडी, इट मींस दोज पीपल आर आवर पॉपुलेशन, ओके. आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन वी हैव कलेक्टेड सम सैंपल्स, राइट.
बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्निक्स, इधर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स, राइट? ओके सर. ओके, नाउ व्हाट यू विल आस्क टू देम, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट यू विल आस्क, आई एम बेस्ड अपॉन व्हाट यू विल आस्क. Sir, placement can become placement. The variable. What was the teaching style, sir? Wait. Please note down. Placement, teaching style. Okay. It means we have identified at least two factors. Placement and teaching style. Okay. Right? What else? About the facilities like library, lab. Facilities. Say, it's our third point. That is facilities, placement, and teaching style. The fourth one, that can be what else? Infrastructure. Infrastructure. Yeah. Anything else? So salary package. Okay. So that comes under placement. Okay. So you are talking about the salary package of the students who got placement, right? Yes, sir. Exposures from what they are getting from the exposure. That again comes into placement. Exposure from alumni or to the industry, right? So let's say these four things are important factors for deciding whether MBA institute is good or bad, or to understand about the quality of MBA institute in your organization, right? So what are these factors? Placement, teaching style, facilities, and infrastructure. Okay, yahan tak clear hai sabko? Yes, sir. Yes, sir. ये चार फैक्टर ही होंगे हमारी स्टडी के. ये किसने बताया? ये हम लोगों ने फिलहाल तो भी सोचा. लिटरेचर, राइट. ये हमने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग किया. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइक कलेक्टिंग डाटा और अ पार्ट ऑफ कैन से कि जहां हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं मोस्टली उसमें इस टाइप से चीज कलेक्ट की जाती है. खैर, हमने यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू करने की जगह पे हमने इस मेथड के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया कि ये चार फैक्टर्स हैं विच आर एक्चुअली डिसाइडिंग द क्वालिटी ऑफ एमबीए इंस्टीट्यूट. ठीक है, अभी हमने ये नहीं आइडेंटिफाई किया है कि हम एमबीए इंस्टीट्यूट कानपुर यूनिवर्सिटी की हमने कहीं बात नहीं किया. ये जो फैक्टर्स हैं दिस अप्लाइज टू ऑल काइंड ऑफ उसके अंदर सैलरी पैकेज ऑफ द स्टूडेंट्स, देन एक्सपोजर फ्रॉम द एलुमनाई, दीज टू आर से वेरिएबल्स विच कंस्टिट्यूट्स प्लेसमेंट. अगर ये दो वेरिएबल्स ना हो तो प्लेसमेंट का तो हमें कोई मतलब ही नहीं. वो फैक्टर हम हटा सकते हैं. एग्जैक्टली सो. ठीक है, तो ये दो जो दो वेरिएबल्स हुए ये मिलते हैं मिलके बनते हैं प्लेसमेंट्स, और प्लेसमेंट्स के बेसिस पे हम क्वालिटी ऑफ एमबीए इंस्टीट्यूट को डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो हमारा एक मैं पेपर पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ. ठीक है, आप लोग क्लियर वीडियो आ रहा है? यस सर.
इज इट विजिबल? यस सर. फर्स्ट इज प्लेसमेंट, सेकंड इज टीचिंग स्टाइल, थर्ड इज आई थिंक फैसिलिटी एंड फोर्थ वन इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड इज फैकल्टी ये जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है? आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बस समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है? ये चार पॉइंट्स हमने फैक्टर्स लिटरेचर के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिए सपोज, ठीक है? ये चार. ओके सर. अब ये कंस्टिट्यूट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं साथ में हमारे ये डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज नोन एज क्वालिटी ऑफ एमबीए डिपार्टमेंट, ठीक है? तो हम इसको एक डायग्राम बना लेंगे क्लियर में. इज इट विजिबल? यस सो. तो अब अगर आपने डायग्राम ऐसे बनाया, ये आपका एक मॉडल बन गया. यस सर. दिस इज द मॉडल ऑफ योर स्टडी दैट दीज फैक्टर्स कंस्टिट्यूट्स कलेक्टिवली डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ एमबीए कॉलेज. ओके. ओके सर. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. नो एनी डाउट? Any no, doubt sir. To anybody till now? No sir. Okay. अब हमने प्लेसमेंट के अंदर दो चीज आइडेंटिफाई की, दैट इज सैलरी और एक्सपोजर टू एलुमनाई. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. हम डायग्राम अपने स्टडी में बना सकते हैं? Yes, sir, बना सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग स्टाइल. टीचिंग स्टाइल के लिए क्या क्या होना चाहिए बताइए. कंटेंट. गुड. कंटेंट. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन स्किल. सर व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर. स्टार्ट कम मंडा फैसिलिटी. सर वॉइस नहीं आ रही है. सर हाँ क्या चीज? अभी वॉइस क्लियर है? यस सर. यस सर. कोई एक पॉइंट और बताइए बेस्ड ऑन विच यू कैन जज द टीचिंग स्टाइल ऑफ व्हाइट बोर्ड या प्रोजेक्टर. नाउ वी कैन कैन वी राइट लाइक दिस. Sir, it's so visible. Can you hold the paper from above? Above. Is it visible now? Can you read it? Yes. Yes, sir. Visible. आपने इसमें कॉन्सेप्ट समझा कि ये जो दो हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं इस फैक्टर के, पहले फैक्टर्स के, और ये जो तीन हैं, ये इस फैक्टर के वेरिएबल्स हैं, ठीक है? Yes, sir. उसी तरह मान लीजिए इसके भी दो तीन होंगे और इसके भी दो तीन होंगे, चार पांच भी हो सकते हैं, आठ दस भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी, ठीक है? ऐसा कोई लिमिटेशन किसी चीज का नहीं है कि इसमें चार ही वेरिएबल्स होंगे या तीन ही वेरिएबल्स होंगे. आपके स्टडी एलआर के बेसिस पे यू आइडेंटिफाई दीज वेरिएबल्स, ठीक है? ठीक है, क्लियर है अभी तक? बताइए तो मैं आगे बढ़ूं. राम कम क्लियर हो रहा है, एक बार और दिखा दीजिए.
मैं दिखा रहा हूँ, अब देखिए मैंने फैसिलिटी के सामने ऐसे चार पांच नाम लिखने के बजाय मैंने F1, F2, F3, F4 लिख दिया कि दिस फोर वेरिएबल्स विच कैन अफेक्ट द फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1, 2, 3, 4 I1, I2, I3, I4, I5 मैंने लिख दिया, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब तो आप समझ गए ना कि जिस तरीके से पहले ये वेरिएबल्स अफेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह हम यहाँ पे भी फैसिलिटीज में कुछ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जहां मैंने F1, F2 लिखा है वो वहां पे कुछ वेरिएबल्स के नेम होंगे जो कि अफेक्ट करते होंगे फैसिलिटीज फैक्टर को। फिर उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ चार पांच वेरिएबल्स होंगे विच आर अफेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये मॉडल पूरा क्लियर बन गया? अभी तक क्लियर है सबको कि हम लोग लिटरेचर से अगर कोई भी फैक्टर्स या वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको मॉडल में बनाना कैसे है? Yes, sir. ये एकदम सिंपल मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। आगे हम कुछ और आगे जब बात करेंगे मीडिएशन की, मॉडरेशन की, तो उसके डायग्राम, फिगर्स, वेरिएबल्स वो सारे चेंज होते जाएंगे, ठीक है। मतलब एंगल किधर जाएगा, एरो किस साइड जाएगा, कहाँ से अप डाउन जाएगा, टर्न होगा, ये सब चीजें उसकी बात की बात है, ठीक है। अब ये मॉडल बनाना तो आप लोग समझ गए, क्लियर? Yes. अब मान लीजिए कि हमने लिटरेचर किया और हमें ये इतने सारे वेरिएबल्स तो मिल गए कि ये चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं, ठीक। और आपको ये सारी चीजें ना लिटरेचर से ही आइडेंटिफाई करनी है, जिसकी अनटिल अनलेस की बहुत सर इट इज नॉट वेरी विजिबल। अगर इफ यू कुड हैव यूज्ड अ व्हाइट बोर्ड प्लीज। सॉरी आई डोंट हैव व्हाइट बोर्ड एट द नो इसका जो गूगल गूगल मीट के ही क्लास, इसमें ही व्हाइट बोर्ड जो होता है दैट्स आई कुड हैव यूज्ड दैट क्योंकि I don't know about the others, but बहुत clear नहीं है। अच्छा, आप basically it is just because of your understanding। आपको concept समझ में आ रहा है? जी सर। Next class onward maybe I'll use that system so that first I should learn those things। तो then उसके बाद मैं आपको समझाऊँ तो ज़्यादा better समझ में आएगा उसमें, ठीक है। अभी मुझे search करना पड़ेगा किधर क्या system है उसमें। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? पहले इतना कि हम ये वेरिएबल्स कैसे आइडेंटिफाई किए, अगर आइडेंटिफाई किए तो उसको रेस्पेक्टिव फैक्टर्स में कैसे डालना और उसको बनाने का एक मॉडल हम कैसे बनाते हैं, ये चीज क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। अगर मान लीजिए कि हमने ये वेरिएबल्स जो इधर लास्ट में लिखे हैं, ये सारे वेरिएबल्स हमने लिटरेचर से आइडेंटिफाई कर लिया और हमें ये नहीं पता है कि ये प्लेसमेंट में जाएगा, कि ये फैसिलिटीज में जाएगा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा या किस में जाएगा, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने ये चार पांच वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अरे जितने भी वेरिएबल्स थे हमने स्टडी लिटरेचर किया, लिटरेचर में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक फैक्टर एनालिसिस। दिस सेज दैट, इसका साउंड बहुत आ रहा है, डिस्टर्बिंग है, एकता थैंक यू। तो अब हमने जब वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए तो नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, ये कितने फैक्टर्स में जाएगा, ठीक है। से चार फैक्टर में जाएगा, पांच फैक्टर में जाएगा या छह सात फैक्टर्स में जाएगा। अगर सिर्फ एक एक सिंगल सिंगल करके जा रहा हो तो भी हो सकता है, एक अलग फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसकी लोडिंग
सिस्टम में जब हम एक्चुअली जब पर्सनली करते हैं तो वो आजकल हम लोग स्टैटिस्टिकल टूल्स के वगैरह के साथ यूज करते हैं, SPSS पे कर सकते हैं, R पे कर सकते हैं। तो हम जब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस रन करते हैं तो वो हमें करके बता देता है कि हमें ये इसमें से ये दो आइटम इस वन फैक्टर में जाएंगे, फिर टू फैक्टर में जाएंगे, थ्री फैक्टर में जाएंगे, फोर फैक्टर में जाएंगे, या फिर पांच फैक्टर में हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बता देता है। ये जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनके रेस्पॉन्स के बेसिस पे वो रन करने के बाद समझ में आता है कि ये बहुत जंबल फॉर्म है। जब आप लिटरेचर करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसके साथ ही दो फैक्टर एक साथ मिल गया, ये दो वेरिएबल्स एक साथ मिल गए, ये तीन वेरिएबल साथ में मिल गए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। आपने क्वेश्चनर उसके जंबल्ड फॉर्म में बनाए, लेकिन जब आप उसको रन करोगे और उसमें एक और ऑप्शन होता है वेरीमैक्स का, तो उसमें वो जितने एक दूसरे साथ क्लब करते हो वो एक साइड में क्लब होके आ जाते हैं, तो एक फैक्टर का एक जगह दिखा देगा, सारे जो जितने जंबल होंगे वो सारे एक जगह आ जाएंगे, फिर दूसरे फैक्टर का नेक्स्ट कॉलम में दिखा देगा, तीसरे का नेक्स्ट कॉलम दिखा, चौथे का नेक्स्ट कॉलम दिखा देगा। तो और सिस्टम हमें ये बताएगा कि दीज वेरिएबल्स फॉल्स इनटू फोर फैक्टर्स और फाइव फैक्टर्स, या हम उसको ऑलरेडी सिस्टम को बताएं कि हमें पांच फैक्टर में ही डिवाइड करना है तो वो पांच फैक्टर में करके बता देगा, और जिसकी लोडिंग 0.7 से नीचे होगी उसको उस आइटम को या उस वेरिएबल्स को अपने क्वेश्चनर से हटा दीजिए, अपने स्टडी से हटा दीजिए जिसकी लोडिंग 0.7 से लो आएगी, और वो किसी भी वेरिएबल्स में फॉल नहीं करता हो, फैक्टर्स में फॉल नहीं करता हो तो हटा दी जाएगी। ठीक है, तो और ये तब क्या होता है जब हमें ये फैक्टर्स नहीं पता होते हैं, ठीक है, कि ये आइटम्स इस फैक्टर में है कि नहीं है, तब हम ये EFA एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं। हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च डिजाइन में आपने पढ़ा है ना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। लेकिन बहुत सारे मींस स्टडी में या बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन के आप वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे तो आप फाइंड करेंगे कोई 0.6 को भी ले लेता है, 0.5 को भी ले लेता है। इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ड अपॉन योर जजमेंट या आपके फैक्टर्स में कितना आ रहा है नहीं है, लेकिन बट स्टैंडर्ड ये माना जाता है कि 0.7 से ऊपर हो तो अच्छा है लोडिंग। और चूंकि हम लोग बाद में इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी सब चेक करनी होती है, तो वो सब चीजें चेक करने के लिए अगर 0.7 से नीचे होता है तो हो सकता है वैलिडिटी गड़बड़ आ जाए या रिलायबिलिटी गड़बड़ आ जाए। सो इट्स बेटर टू टेक दोज वेरिएबल्स विच आर हैविंग देयर रेस्पेक्टिव लोडिंग्स ग्रेटर देन 0.7 सो दैट आवर रिजल्ट्स कम्स इन अ गुड मैनर। आई मीन ठीक है, तो हम तब करते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। हम एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस क्यों करते हैं, समझ में आ गया सर? मतलब जब हम लोग को वेरिएबल्स मालूम हो बट हम लोग को ये नहीं पता को वो किस फैक्टर में जाना है तो तब करेंगे फैक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, फैक्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, वेरी गुड। ठीक है, ये क्लियर है? मॉडल कैसे बनाना है ये क्लियर है? यस सर। अब मान लीजिए हमें ये पता है ये पांच फैक्टर और ये वेरिएबल्स भी पता हो गए, तब क्या करेंगे? और लेकिन खैर हाँ, तब क्या करेंगे, कोई आइडिया? फैक्टर्स तो हमें ऑलरेडी पता है तो हम डायरेक्ट एनालिसिस पे चले जाएं। क्या हमें जाना चाहिए डायरेक्ट एनालिसिस पे? वेरिएबल्स पता है, फैक्टर्स पता है। सर एक आपने CFA भी बताया था, वो उसमें क्या सर क्या करते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर एनालिसिस। कंपाउंडिंग नहीं है, कुछ और। कंफर्मेटरी। हाँ, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या करता है? वो कंफर्म करता है कि यस दीज वेरिएबल्स एंड दीज फैक्टर्स फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी।
ठीक है, कि ये वेरिएबल्स और इसमें जाते हैं, उसमें कुछ मॉडल फिट इंडिसेस होते हैं जो कि हमें चेक करने होते हैं, और जब तक कि वो मॉडल फिट इंडिसेस फुलफिल नहीं होते, स्टैंडर्ड पॉइंट्स पे नहीं आते, तब तक हमें उसमें इम्प्रूवमेंट करने होते हैं, और अगर आ गए तो हमारा मॉडल फिट है, ये मॉडल सही है, नहीं है तो नहीं है। और वो हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि सबकी स्टडी अलग होती है, जिसने भी स्टैंडर्ड ये बना दिया, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ये जो पैटर्न है ये हमारी स्टडी का पार्ट है कि नहीं। ये तो हमने बता दिया कि एमबीए की क्वालिटी के लिए ये फैक्टर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन अगर हम कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो हो सकता है इनमें से कुछ वेरिएबल्स वैलिड ही नहीं करते हो, कोई प्लेसमेंट का क्या स्टेटस, बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशन रही, उन्होंने अपने बेसिस पे क्या जवाब दिया उसके बारे में, तो हो सकता है कि ये क्वालिटी में इसका रोल ही ना आ रहा हो। बच्चे कह रहे हैं प्लेसमेंट की बात ही नहीं है, हमें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, हम तो नहीं मानेंगे। अब कुछ हो सकता है कि ये कह सकते हैं कहीं कि नहीं, हमें तो प्लेसमेंट अच्छा मिला, बाकी टीचिंग कैसी भी थी हमको उससे मतलब नहीं, टीचिंग कोई बात नहीं, हमारा प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा हुआ, तो मतलब कि एमबीए कॉलेज तो यहाँ का बहुत बढ़िया है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज। यस सर। तो जब ऐसे स्टडीज आएंगे तो उसमें हो सकता है कि आपके ये एक वेरिएबल्स काम का नहीं हो या ये वेरिएबल्स काम का नहीं हो, तो उसको हमको अपने क्वेश्चनर से, अपने डाटा से उसको डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। और मॉडल फिट एनालिसिस में कई सारे पैरामीटर्स होते हैं दैट वी चेक, जस्ट लाइक सी मीन अपॉन डी एफ, दैट इज काई स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन सी एफ आई, टी एल एफ, टी एल आई, ये सब आप अभी आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग कब कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं, कब एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं। एक्सप्लोरेटरी जब हम फैक्टर्स हमें पता नहीं है, हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हमें वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हम उसको यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, मतलब ई एफ ए लगाते हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं, और उसके बेसिस पे हम अपने फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। जब हमें फैक्टर्स पता है, देन वी रन कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, और उसके बेसिस हम इसको कन्फर्म करते हैं कि हमारे स्टडी में भी दीज फैक्टर्स या कौन कौन से फैक्टर्स और कौन कौन से वेरिएबल्स रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात करें, एसपीएसएस, आप एसपीएसएस पे ईएफए तो कर सकते हो लेकिन सीएफए नहीं कर सकते, ठीक है। ईएफए पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बहुत आराम से एसपीएसएस कर सकते हैं, सीएफए लगाने के लिए आपको एक दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, दैट इज एमोस, किसी नाम सुना? यस सर, ये एसपीएसए का एडवांस वर्जन है। किसका एडवांस वर्जन है? एसपीएसएस का एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन है, हाँ ठीक है, एक अलग सॉफ्टवेयर है एमोस, उसमें वो सारी चीजें आप वो कर सकते हैं जो आप एसपीएसएस पे कर सकते हो, और साथ में आप कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक आर है, आर आर स्टूडियो, आपने सुना होगा, उस पर भी आप सारे फंक्शन कर सकते हो, आपको बस कोडिंग पता होनी चाहिए, और कोडिंग भी बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है उसमें, उसमें सिंपली आपको अपने वेरिएबल्स का रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि इनका रिलेशन इनसे है, इनका रिलेशन इनसे है। आप सिस्टम को ये रिलेशन कोड में उनकी जो लैंग्वेज है, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको प्रॉपरली यूज करते हुए आप उनको रिलेशन ये बताओगे तो वो आपको वो रिजल्ट निकाल के दे देंगे। एमओएस में आपको डायग्राम बनाने के लिए या स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग तैयार करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सारे डायग्राम्स, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एरर टर्म वन, एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, सब देखना होता है, सब मैनेज, अगर कहीं भी एक गड़बड़ आपने किया तो वो गलत रिजल्ट आ जाएगा। एमओ आर सॉफ्टवेयर में आपको डायग्राम बनाने के लिए
कोई मेहनत नहीं करना है, आपको बस रिलेशन कोडिंग प्रॉपरली देनी है, कोडिंग देके आपको उसमें बताना है कि ये रिलेशन है, अब मुझे ईएफए करके या सीएफए करके मुझे इसका एससीएम मॉडल भी बना के दे दे, तो वो आपको एक एससीएम मॉडल बना के दे देगा। डायग्राम जो आपको एमओएस में बनाना पड़ेगा उसकी जगह पे वो खुद से बना के देगा आर, ठीक है। तो मैं फैक्टर एनालिसिस क्लास फिलहाल आज के लिए मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। कोई डाउट है अभी किसी को इसमें, जो किसी नहीं समझ में आया? आर मैं बाद में कभी क्लास लूंगा इनकेस, तो मैं थोड़ा आर का आप लोगों को एक्सपोजर दूंगा, क्योंकि मुझे आर बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल, कोई बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा। तो आपको बस रिलेशन समझ में आना चाहिए, ऑपरेटर समझ में आना चाहिए, और किस टाइप से कोडिंग की जाती है वो समझ में आना चाहिए, फिर आप बहुत इजीली सारे एनालिसिस टूल्स लगा सकते हो अपने स्टडी के हिसाब से। आपको सारे चीज़ें देखनी है कि कैसे हमारे स्टडी के लिए कौन कौन से टेक्निक्स लगेंगी, क्या क्या एनालिसिस करनी है, उसके बेसिस पे आप उस पर बहुत ईजिली कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, और मैं जब भी नेक्स्ट क्लास कभी होगा तो मैं आर का एक स्क्रीन शेयर करके मैं आपको पूरा आर का डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आज जो भी कुछ बताया उसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या कोई चीज अभी भी नहीं समझ में आई है तो यू कैन आस्क। फैक्टर एनालिसिस हम लोग वेरिएबल को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, मींस ऐसा बोल सकते हैं? वेरिएबल को आप रिड्यूस नहीं करते हैं, फैक्टर एनालिसिस आप करते हो तो उसमें ये बताता है कि आपने जो वेरिएबल्स लिए हैं उसको, वो चार या पांच वेरिएबल्स को, सपोज आपको नॉमेनक्लेचर नहीं पता है, ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल में लिया था ना, ये वेरिएबल्स हमने लिटरेचर से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यस सर। अब हमें ये नहीं पता है कि ये किसी फैक्टर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक, हमने फैक्टर एनालिसिस रन कर दिया और सिस्टम ने हमें ये बता दिया कि दीज वेरिएबल्स कैन फॉल इनटू फाइव फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर वन, फैक्टर टू, फैक्टर थ्री, फैक्टर फोर, फैक्टर फाइव, करेक्ट। अब हमें उन फैक्टर्स के नाम तो नहीं पता है कि क्या नाम होगा, लेकिन वो जो चार पांच आइटम एक साथ क्लब के उस फैक्टर वन के अंदर जाएंगे, तो आप जब उन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ एक कॉमन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये पांचों या चारों वेरिएबल्स मिलके कुछ एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उनको आप अपनी नॉलेज, इंटेलिजेंस, जजमेंट या किसी एक्सपर्ट की जजमेंट या नॉलेज देते हो, हम एक फैक्टर हो गया, बाकी के नाम अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ये दो मिलके कि किसमें जा रहे थे, क्या जा रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इनके स्टेटमेंट्स पढ़ के, ये वेरिएबल्स थे, इनके स्टेटमेंट्स मैंने पढ़े और इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि दिस कैन फॉल इनटू वन काइंड ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज प्लेसमेंट, सो वी आर कीपिंग दैट फैक्टर एज अ एज वन फैक्टर एंड नेम इट एज प्लेसमेंट। हमने अपने जजमेंट के बेसिस पे या अपने सुपरवाइजर या किसी एक्सपर्ट के जजमेंट के बेसिस पे हमने उसको कहा कि सर ये चार पांच चीजें एक डायरेक्शन में ये बात कह रहे हैं, तो क्या हम इसको ये फैक्टर का नाम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, तो हमने वो नाम दे दिया, क्योंकि हमको, हम तो एक्सप्लोर कर रहे हैं ये फैक्टर्स, हमें ये फैक्टर्स के नाम तो पता ही नहीं है, तो ये वेरिएबल्स तो हमने लिटरेचर से निकाले। अब निकालने के बाद फैक्टर एनालिसिस किया, फैक्टर एनालिसिस करने के बाद हमने ये देखा कि ये तीन आइटम मिलके एक वेरिएबल्स, एक फैक्टर की बात कर रहे हैं, अब वो फैक्टर का नाम क्या होगा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या नाम देना चाहते हैं। कोई एकदम नई चीज है तो आप उस वेरिएबल का नाम दीजिए, उस नाम दीजिए, एक मॉडल डेवलप करिए और उसका पेटेंट करा लीजिए,
आपके नाम से पेटेंट होया, लेकिन स्टेबलिश होना चाहिए उसका लिटरेचर, थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने वो किया हुआ है, तभी वो पेटेंट मिलेगा आपको। तो जहां कुछ नहीं पता है तो वहां पे वी आर फ्री टू गिव नेम्स, लेकिन जहां स्टेबलिश रिलेशन ऑलरेडी है तो वहां पे हम इन फैक्टर्स को नाम देने के लिए हमें फ्रीडम नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर हो गया आपका डाउट, किसने पूछा था? यस सर, क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी सर, क्या इसमें मीडिएटिंग फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होंगे? हो सकते हैं, अभी आप अभी तो हमें पता ही नहीं पहले कि ये मीडिएट है कर रहा है कि नहीं, लेकिन वेरिएबल्स तो है, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, फैक्टर्स वो बताएंगे, और एक बार फैक्टर्स हमें आइडेंटिफाई हो गए, बाद में हम फिर मीडिएटिंग रूल्स चेक करते हैं, फिर उनका रिलेशन चेक करते हैं, लेकिन हम पहले अपनी स्टडी में वो अफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो तो आइडेंटिफाई करेंगे। ओके सर, वो भी आप एक्सप्लेन कर देंगे एग्जांपल के साथ नेक्स्ट क्लास में? क्या ये मीडिएशन का? मीडिएटिंग फैक्टर्स। ओके, विद द सेम एग्जांपल। विद द सेम एग्जांपल, ओके ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो आई विल डू। ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। वेलकम, एनीथिंग एल्स एनीबॉडी? नो सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.